नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएसईटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विज्ञान की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनटीपीसी ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों फिजिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन प्लस कुछ मॉडरेट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज की वीडियो में आप कितने क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पसंद आए तो लाइक और शेयर कर ही देना है। दोस्तों शक्ति का मात्रक क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो वाट होता है, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी, उनका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बल का क्या मात्रक है, दोस्तों प्रश्न आसान या कठिन कुछ नहीं होते, कठिन भी आपको पूरे एक नंबर देके जाएगा, आसान होगा तभी भी नंबर बराबर देके जाएगा, तो कठिन आसान कुछ नहीं, सबका बराबर काम होता है, आपको सब कुछ करना है, बिल्कुल कुछ भी छोड़कर नहीं आना है, बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कार्य का क्या मात्रक होगा, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, कार्य का मात्रक हमारा जूल होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों दिए गए विकल्पों में से किसके द्वारा हम आवृत्ति को माप सकते हैं, जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक जो है वो हर्ट्ज होता है, तो दिए गए विकल्पों में से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने बताया उनका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रकाश वर्ष दिए गए विकल्पों में से क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक। हम बात करें तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी उनका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर हमें इंच प्राप्त होता है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच, तो यहां से आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक नैनोमीटर जो है वो किसके बराबर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो नैनोमीटर जो है लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है, इसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसे हम nm के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और दोस्तों दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर ए 10^-9 मीटर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वेरी गुड जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एम्पियर मापने की इकाई दिए गए विकल्पों में से क्या है, बिल्कुल ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा हो जाएगा, धारा हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, अब जल्दी से विकल्प पढ़िए और बताइए दोस्तों इस प्रश्न के लिए हमारा सही विकल्प क्या होना चाहिए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो मेगावाट जो है बिजली के नापने की एक इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है, उसे हम मापते हैं, तो यहां से जिन्होंने बताया कि उत्पादित की जाती है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम करें कार्य का मात्रक जूल है, बल का मात्रक न्यूटन है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, अगर हम बात करें दाब की तो दोस्तों हम दाब का जो एसआई मात्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि दाब का जो हमारा मात्रक होता है दोस्तों वह होता है पास्कल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो विचार करिए जल्दी से चारों ऑप्शन पे और दिए गए विकल्पों में से कौन जो है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें नॉट की तो बिल्कुल ठीक है, जहाज के चाल की माप नॉट के द्वारा की जाती है, नॉटिकल मील की बात करें दोस्तों तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की जब हम इकाई को मापते हैं तो उसे हम नॉटिकल मील से प्रदर्शित करते हैं, एंगस्ट्रॉम की बात करें दोस्तों प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई को मापने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम दोस्तों प्रकाश वर्ष की बात करें तो क्या हम इसे समय मापन की इकाई के रूप में जानते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो प्रकाश वर्ष समय नहीं दूरी मापन की इकाई है, तो बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो दोस्तों अभी हम पीछे वाले प्रश्न में देख चुके हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य की इकाई जो है एंगस्ट्रॉम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों ओल्ड इज गोल्ड एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है गत वर्ष की परीक्षाओं में, बिल्कुल ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए जो हमारा सही विकल्प होगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 10^-4 सेंटीमीटर की, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों डेसिबल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें हम ध्वनि की प्रबलता की इकाई मापते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो अश्व शक्ति, बिल्कुल ठीक है, यह शक्ति की इकाई हो जाएगी दोस्तों। अगर हम बात करें समुद्री मील की, तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, नौ संचालन में दूरी की इकाई मापते हैं हम समुद्री मील में। दोस्तों अगर हम बात करें सेल्सियस की, तो क्या हम सेल्सियस में ऊष्मा की इकाई को मापते हैं, बिल्कुल नहीं, सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक होता है। तो यहां से इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर हम बात करें ऊष्मा का, तो ऊष्मा का मात्रक दोस्तों हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है, ऊष्मा का मात्रक दोस्तों हमारा होता है कैलोरी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो प्रश्न पर ध्यान दीजिए और जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो, जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो ऊष्मा की इकाई इस प्रश्न के लिए हो जाएगा सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है। पिकोग्राम के बारे में जानते हैं आप दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें तो 10^-12 ग्राम के बराबर होता है एक पिकोग्राम, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या कहलाती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प, बार। दोस्तों वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10^5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है, और इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों एक बार बराबर कितना हो जाएगा, क्या आप जानते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, एक बार बराबर हो जाएगा 10^5 पास्कल। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर है जिन्होंने बताया दोस्तों, उनका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, प्रश्न रिपीट हो गया, ऑप्शन बी रिपीट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए बार इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों कई बार आपने बैरल करके शब्द सुना होगा, तो जल्दी से विचार करके बताइए कि तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से कितना होता है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, सभी का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। दोस्तों एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल जो है रहता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दिए गए विकल्पों में से लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी हो जाएगी, जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो एक फर्मी मीटर जो है वो होता है 10^-15 मीटर के बराबर। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें एक फर्मी मीटर जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, तो दिए गए विकल्पों में से दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों क्यूसेक में क्या मापा जाता है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो क्यूसेक जो है वो जल बहाव की दर मापने की इकाई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। और दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि जब बांध से पानी छोड़ा जाता है, तो उसमें बताते हैं कि इतने क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। जी दोस्तों क्या आप जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। तो जिन्होंने बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उनका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं अब हम। दोस्तों महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए कि आप जो है कभी किसी जहाज पर यात्रा कर रहे हैं और आपकी घड़ी गिर जाए समुद्र के अंदर, तो बताइए दोस्तों कि किस यंत्र का प्रयोग करके आप अपनी घड़ी को ढूंढने वाले हैं। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी सोनार इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं,
दोस्तों सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो दोस्तों इसके बारे में हम पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। सोनार का प्रयोग जो है नौ संचालकों द्वारा किया जाता है और सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है और दोस्तों ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती है जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र दिए गए विकल्पों में से क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑडियोमीटर द्वारा जो है हम ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। दोस्तों अगर हम बात करें एनेमोमीटर की, तो एनेमोमीटर द्वारा जो है वायु के वेग की माप की जाती है। दोस्तों अगर हम क्रोनोमीटर की बात करें, तो क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन जो बचा है हमारा ऑडियोफोन, तो ऑडियोफोन दोष युक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए कि जब जो है टेम्परेचर की मात्रा है बहुत ज्यादा, तो उस परिस्थिति में हम दिए गए विकल्पों में से किस यंत्र का उपयोग कर सकते हैं? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही, पाइरोमीटर। वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? तो जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विकिरण ताप मापी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है, तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से हम किसके द्वारा जब टेम्परेचर हो जाए हमारा 2000 डिग्री से ज्यादा तो माप सकते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है और दोस्तों ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं और उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना या फिर उन्हें टच करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो विचार करके बताइए दोस्तों दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, मैनोमीटर नामक यंत्र से हम गैसों का दाब मापते हैं, तो यहां से विकल्प नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जरा विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, क्योंकि बाकी तीन तो सही सुमेलित है। ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, बिल्कुल ठीक है। ऑडोमीटर जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है और ऑडियोमीटर के द्वारा हम पहले ही बता चुके हैं कि ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति ऑडियोमीटर कहलाती है। दोस्तों अगर हम बात करें एमीटर की, तो एमीटर जो है विद्युत धारा के मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है, ना कि इसका संबंध हो जाएगा विद्युत शक्ति मापक यंत्र से। बिल्कुल सही हो जाएगा, वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, तो दिए गए विकल्पों में से हम किसके द्वारा जो है दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है ज्ञात कर सकते हैं? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो दूध का आपेक्षिक घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन जो है वो लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर राइट आंसर। अगला प्रश्न। दोस्तों हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जब हमें आर्द्रता की माप करनी हो हवा में, तो दिए गए विकल्पों में से हम किस मीटर का प्रयोग कर सकते हैं? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो हवा की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर प्रयोग किया जाता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? परीक्षा में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों रडार के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रडार उपयोग में आता है, तो दोस्तों आप जरा जल्दी से विचार करके बताइए सारे ऑप्शन पर कि रडार का प्रयोग जो है हम किसके लिए करते हैं? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में, तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। और दोस्तों रडार की अगर हम बात करें, तो रेडियो डिटेक्शन एंड
डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इससे बना है हमारा रडार शब्द। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो दोस्तों आपको पता है कि रिएक्टर स्केल से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा क्या। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया कि भूकंप की तीव्रता। तो दोस्तों रिएक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है, यह एक लॉगरिदमिक स्केल है और इसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। दोस्तों रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अगर 6 रिएक्टर स्केल पर अगर हम भूकंप नापते हैं तो 7 वाला जो है उससे कितना ज्यादा होगा, तो यह उसके 10 गुना ज्यादा होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। तो विचार करके बताइए दोस्तों कौन जो है दिए गए विकल्पों में से भूकंप मापी यंत्र होगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें सीस्मोग्राफ इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सीस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में खाली आप ऑप्शन पे विचार करेंगे तो ऑप्शन में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया है, इसीलिए यह प्रश्न थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस प्रश्न के लिए दोस्तों आ जाएगा हमारा भूकंप के स्थान पर भूचाल जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों फैदोमीटर के बारे में अगर आपने सुना हो तो जल्दी से विचार करके बताइए कि किस को मापने के लिए हम फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं फैदोमीटर का। वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो विचार करके बताइए दोस्तों जल्दी से कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं होगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें मैनोमीटर तो दाब बिल्कुल सही होगा, कार्बोरेटर इसका मतलब आंतरिक दहन इंजन बिल्कुल सही सम्मिलित है, कार्डियोग्राम हृदय ग्रंथि बिल्कुल सही सम्मिलित हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो सीस्मोमीटर की, तो जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, सीस्मोमीटर नामक यंत्र जो है इससे भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, यह हम पीछे ही देख चुके हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए। वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों आप बताइए कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि झूठ का भी पता लगाया जा सकता है यंत्रों से। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्राफ इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, और पॉलीग्राफ के द्वारा झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कहलाता है ये। दोस्तों अगर हम बात करें पायरोमीटर की तो पायरोमीटर बिल्कुल ठीक है, हम पीछे देख चुके कि उच्च ताप मापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं पायरोमीटर। चलिए दोस्तों बाकी दोनों ऑप्शन पर भी डिस्कस करते हैं। गायरोस्कोप, तो दोस्तों घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र जो होता है ना उसे हम कहते हैं गायरोस्कोप। काइमोग्राफ, तो दोस्तों याद रखिएगा कि शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं काइमोग्राफ। जैसे दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर या फिर जो हृदय की धड़कन होती है उसे जब हम है किसी पेपर पे ग्राफ द्वारा प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं काइमोग्राफ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से कौन जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा उत्तर सही, एक साधारण यंत्र जो है वो कैसे किसी व्यक्ति की सहायता करता है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है तो आपका उत्तर हो जाएगा सही। वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर बी कि कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा। समझ लीजिए आप कि आप एक खड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक, जी दोस्तों तराजू पर, और आपने गहरी सांस ली है तो क्या होगा, कांटा हिलेगा या नहीं हिलेगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो व्यक्ति के गहरी सांस लेने से तराजू की रीडिंग घट जाएगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी बताया जिन्होंने। वेरी गुड, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरा विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो दोस्तों वे आयतन जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। और दोस्तों जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं
अदिश राशि। तो यहां से आपका आयतन जो है वो अदिश राशि के अंतर्गत आएगा, ना कि सदिश राशि के अंतर्गत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तो जरा विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल ठीक है, संवेग बराबर होता है हमारा द्रव्यमान इंटू वेग। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो द्रव्यमान को हम यहीं पे रखें और बराबर में अगर हम, तो वेग आ जाएगा बराबर, संवेग के नीचे चला जाएगा हमारा वेग। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बल जो है वो गुणनफल है, तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि दिए गए विकल्पों में से। जी दोस्तों आपको फॉर्मूला पता ही है, एफ इजकल टू एम ए। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो अब जरा फटाफट विकल्पों पर ध्यान दीजिए और जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों कि ऊर्जा संरक्षण जो है दिए गए विकल्पों में से। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी केवल गतिज, तो हो जाएगा आपका उत्तर बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो है वो पीछे की ओर झुक जाता है, तो दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, जल्दी से विचार करके बताइए। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो यात्री ट्रेन के अचानक से चल देने के से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का जो निचला हिस्सा होता है ना, वो गाड़ी के संपर्क में होता है और यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु जो ऊपर का हिस्सा होता है तो स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है, और दोस्तों इसी कारण जो है वो यात्री जो है झटके महसूस करते हैं। तो बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, स्थिरता का जड़त्व। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए बताया जिन्होंने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना जो है वो कठिन है, तो दोस्तों विचार करके बताइए कि इसके पीछे क्या कारण है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो घर्षण जो है बहुत कम होता है बर्फ पर, इसीलिए हमें जो संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिस कारण जो है व्यक्ति सड़क पर आसानी से चल लेता है मगर बर्फ के ऊपर उसे चलने में बड़ी समस्या आती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के चार पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रही है, ठीक है, जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए कि इस प्रश्न के लिए दोस्तों सही विकल्प क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो किसी वस्तु में गतिक घर्षण अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती और स्थैतिक घर्षण से कम होता है, तो दोस्तों यहां से यह आर से कम होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों कि इस प्रश्न के लिए जो हमारा सही विकल्प होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। जी दोस्तों सभी का उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, उसके पीछे कारण क्या है, जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर बात करें तो अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री जो है वो सीधे खड़े नहीं रह पाते। दोस्तों कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना भी करना पड़ता है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। फिलहाल इस प्रश्न के लिए दोस्तों जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर ए गुरुत्व नहीं होता है, उनका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो वह क्या करेगा? दोस्तों अब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरा विचार करके बताइए कि इस प्रश्न के लिए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तो है नहीं, और गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब जो है वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होता रहेगा, तो वेरी गुड, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर सी कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा तो कितना होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताइए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प जाएगा दोस्तों। अब जितना है ना उसका चौथा भाग हो जाएगा, तो वेरी गुड जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर ए सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों लकड़ी लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, तो दोस्तों विचार करके बताइए कौन सा टुकड़ा जो है सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। और दोस्तों कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि एक लोहे की बॉल और एक लकड़ी की बॉल को जो है कुछ बराबर ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंका जा रहा है, तो बताइए कौन जल्दी आ जाएगी। तो जल्दी से विचार करके बताइए दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही विकल्प क्या होना चाहिए। जी दोस्तों अगर हम बात करें तो आइडियल सिचुएशन में, आदर्श परिस्थितियों में जहां पर वायु प्रतिरोध को हम शून्य मानते हैं, मतलब वायु बिल्कुल भी नहीं, तो दोस्तों तब अगर समान ऊंचाई से गिरा जाने पर लकड़ी लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे क्योंकि सब पर समान जो ग्रेविटी कार्य कर रही होगी। तो बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही। वेरी गुड जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं इसी से संबंधित। दोस्तों हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, अब बताइए दोस्तों कि अब कौन नीचे जो है पहले गिरेगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु प्रश्न में क्या दे रखा, प्रश्न में दे रखा कि हवा में, तो इसका मतलब क्या है कि हवा की उपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो यहां से जिन्होंने बताया कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। और दोस्तों याद रखिएगा प्रश्न में दे रखा है कि हवा में, तब जो है लोहा पहले आएगा, अदरवाइज साथ साथ ही आने वाले हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों किसी पिंड का भार, तो विचार करके बताइए दिए गए ऑप्शंस में से। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो किसी पिंड का भार जो है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है, तो हम पहले ही देख चुके हैं बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अगर हम इस प्रश्न के लिए बात करें तो हाइड्रोजन इस प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर, कारण क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का और विरल माध्यम है और उसके द्वारा लगाया गया जो उत्प्रेक्ष बल होगा ना तो वह भी सबसे कम होगा, इस कारण उसका वजन जो है वो सबसे ज्यादा होगा दोस्तों हाइड्रोजन में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। मानव शरीर का भार होता है, तो दोस्तों जल्दी से विचार करके बताइए कि ध्रुवों पर अधिकतम होगा, पृथ्वी की सतह पर, सब जगह एक समान होगा, तो चारों ऑप्शन पे विचार करके बताइए दोस्तों इस प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो मानव शरीर का भार जो है ध्रुवों पर अधिकतम होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो दोस्तों 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं? जी दोस्तों अगर हम बात करें तो फार्मूला हम जानते हैं, v बराबर क्या होता है दोस्तों हमारा, v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो दोस्तों यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है, बिल्कुल ठीक दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर यू जो है वो हमारा जीरो है, तो यू को हमने जीरो रख दिया, प्लस ए कितना है दोस्तों, तो हमारा ए दे रखा है 9.8, और टी कितना दे रखा है, तो दोस्तों 3 सेकंड का समय दे रखा, तो आप हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 9.8 की तरह दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों 29.4 मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण जो है वो 10^6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, दोस्तों जरा विचार करके बताइए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होना चाहिए। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, अगर हम बात करें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह स्थिर रहता है, तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, तो यहां से बिल्कुल सही है जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर सी 100 किलोग्राम बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और दोस्तों और ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए अपने चैनल BSET की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।